हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रोटोकॉल के बारे में टी सी प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करूंगा फीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा क्या फीचर्स हैं कैसे काम करते हैं क्या क्या लेयर है और सेंडर रिसीवर में डेटा कैसे फ्लो होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले आपको जानना पड़ेगा वॉट इज़ प्रोटोकॉल इट इज़ सेट ऑफ रूल्स यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क एक नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर है सबका कम्युनिकेशंस के लिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का अगर कम्युनिकेट चा, करना चाहेगा तो कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा ये जो सेट ऑफ रूल है इसको हम लोग क्या कहेंगे प्रोटोकॉल कहेंगे ठीक तो है तो चलिए जानते हैं टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है हमारा वो क्या है टी क्या है आई क्या है टी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जब तक कनेक्शन नहीं होगा एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर कनेक्शन सक्सेसफुली नहीं होगा कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा फिल्योर हो जाएगा मेनली वर्क्स करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में और एंड टू एंड डिलीवरी है मतलब आप डेटा है या फ्रेम है जो भी है उसको अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहोगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा तो एन टू एंड डिलीवरी है एंड तक डिलीवरी करना पड़ेगा एरर करेक्शन है कुछ भी एरर होता है उसका करेक्शंस भी यहाँ पे आपको करने को मिलेगा ब्रेक्स इन टू पैकेट यहाँ पे क्या होता है डेटा को पैकेट में ब्रेक किया जाता है आई क्या है आई पी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल आई का फुल फॉर्म और आई पी डिटरमाइन बेस्ड पथ कौन सा रास्ता आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे क्या हो सकता है एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर में डेटा आप सेंड कर सकते हो तो बहुत सारा एक हो सकता है ना बहुत, एक नेटवर्क में बहुत सारा पथ मिलेगा एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर कम्युनिकेट के लिए लेकिन आईपी क्या करेगा आईपी पी बेस्ड जो पथ है सुइटेबल पथ उसको डिसाइड करेगा उसको सिलेक्ट करेगा और डेटा को ट्रांसफर करेगा आई पी ऑन नेटवर्क लेयर तो टी मैंने बता दिया टी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करता है आई जो है नेटवर्क लेयर में काम करता है ये एक पिक्चर मैंने बताया टी सी के लिए लास्ट वीडियो में मैंने डिक्लेयर किया था हाब स्विच और राउटर के बारे में क्या है क्या डिफरेंस है चाहे तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके तो राउटर यहाँ पे देखिए राउटर क्या करता है दोनों जो डिफरेंट नेटवर्क है उसको कम्युनिकेशन के लिए राउटर को इस्तेमाल करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए एक साइड में हब में चार कंप्यूटर लगा हुआ है स्विच के साथ चार कंप्यूटर लगा हुआ है ठीक है तो हम ए कंप्यूटर अगर ई कंप्यूटर को ट्रांसफर करना पड़ेगा दोनों डिफरेंट नेटवर्क है थ्रू राउटर कम्युनिकेट करना पड़ेगा और मैसेज जो है वो पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है पी वन पी टू पी थ्री डिस्ट्रीब्यूट होगा और राउटर के थ्रू दूसरा नेटवर्क में जाएगा और वहाँ पे जिस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा वहाँ पे वो जो पैकेट है वो एडेंस्ड होगा सिक्वेंशियली पी वन पी टू पी थ्री इस बेसिस में क्या होगा दूसरा कंप्यूटर में दूसरा नेटवर्क का कंप्यूटर में कम्युनिकेट होगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अगर ओ एस आई मॉडल के साथ आप टी सी पी आई पी मॉडल को देखेंगे तो ओ एस आई मॉडल में एज पर योर नॉलेज ऑल्सो सेवन लेयर है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल वहीं पर टी सी पी आई पी का बात करेंगे तो एप्लीकेशन लेयर है प्रेजेंटेशन सेशन लेयर नहीं है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल तो पाँच ही लेयर है दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो और यहाँ पे देख लीजिए कौन सा लेयर में क्या आ, आपको प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है तो एप्लीकेशन सा प्रोटोकॉल काम होता है एच टी टी पी हाइपर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफ एफटीपी एफ यूज होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये तीनों प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल काम, काम करता है दैट इज यू डी पी एंड टी सी पी यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल एंड टी सी पी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में आई पी दैट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है राउटर यहाँ पे यूज़ करते हैं डेटा लिंक लेयर में स्विच और इथरनेट यूज़ करते हैं फिजिकल लेयर में हम लोग हब और केबल का यूज़ करते हैं तो चलिए सेंडर और रिसीवर सेक्शंस में देखते हैं पहले सेंडर के बारे में बात करते हैं सेंडर से डेटा कैसे फेम में कन्वर्ट होता है और ट्रांसमिशंस होता है तो एप्लीकेशंस लेयर में क्या होता है एप्लीकेशंस लेयर में यूज़र क्या करता है डेटा को एंट्री करता है तो डेटा पिक करेगा और डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट में ट्रांसफॉर्म uh, हो जाएगा फिर सेगमेंट से पैकेट में ट्रांसफॉर्म होके जाएगा नेटवर्क लेयर में और पैकेट से फेम के फॉर्म में जाएगा कहाँ पे डेटा लिंक लेयर में फिर वहाँ से Uh, आपको मिलेगा राउटर के थ्रू दूसरा कुछ नेटवर्क uh, का किसी भी कंप्यूटर में जा सकता है तो देखते हैं रिसीवर सेक्शंस में क्या होता है तो रिसीवर सेक्शंस में सेंडर का जस्ट ऑपोजिट होता है दैट इज द डेटा लिंग लेयर में पहले फ्रेम जो होता है वो रिसीव होता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है पैकेट में वो करता है नेटवर्क लेयर और पैकेट को वापस सेगमेंट में कन्वर्ट करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में और फाइनली सेगमेंट को डेटा में कन्वर्ट करता है एप्लीकेशन लेयर में तो सेंडर रिसीवर में क्या होता है हो सर, ओ, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर कट एक यहाँ पे मैसेज जो पिक्चर है वो मिल गया होप यू अंडरस्टैंड टी सी पी आई पी होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कॉमेंट थैंक यू